बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर सेफ एंड साउंड। आज हम साइंस के फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट ये आपको रीडिंग करवा दी गई थी फर्स्ट पेज की, सेकंड पेज की आ जाए। सनलाइट, सूरज की रोशनी। लिविंग थिंग्स आल्सो नीड सनलाइट। जानदार ईशा को सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है टू सर्वाइव, बका के लिए इन देयर एनवायरमेंट्स, उनके माहौल में। प्लांट्स यूज सनलाइट, पौधे सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हैं टू मेक फूड, खुराक बनाने के लिए। करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार अशिया की खसूसियात। मूवमेंट, हरकत करना या एक जगह से दूसरी जगह जाना। ग्रोथ, नौशनुमा या फलना फूलना। एंड रिप्रोडक्शन अपनी नस्ल आगे बढ़ाना। आर सम ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात हैं ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार एशिया की। प्लांट्स डू नॉट चेंज द देयर पोजिशन, पौधे अपनी जगह नहीं बदलते। एनिमल्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, जानवर मुख्तलिफ तरह की हरकत करते हैं। एनिमल एंड प्लांट्स, जानवर और पौधे ग्रो इन साइज में बढ़ते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार एशिया आल्सो प्रोड्यूस देयर यंग वंस, अपने बच्चे भी पैदा करती हैं। इट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ये नस्ल बढ़ाने का अमल कहलाता है। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज सीड, एक पौधा अपनी ज़िंदगी एक बीज से शुरू करता है। इट पासिस थ्रू वेरियस स्टेजेस, ये मुख्तलिफ हालतों के ज़रिए गुजरता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ, अपने लाइफ के दौरान। ये लाइफ साइकिल ऑफ अ सनफ्लावर प्लांट, ये आपको दिखाया हुआ है एक सनफ्लावर प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है। ये सीड है, फिर सीड से यहाँ ग्रो करता हुआ इस हालत में चेंज हो जाता है, फिर देन इसमें फिर इसी तरह इस शक्ल में वो एक मुकम्मल फ्लावर की शक्ल में आ जाता है हमारे पास। अब मैं कुछ वर्ड्स आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ, वो आपने नोटबुक पे राइट करने हैं, उनके स्पेल भी याद करने हैं। एनवायरमेंट्स, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, करैक्टरिस्टिक्स, पोजीशन, पैसेज, ये वर्ड्स बस इतने काफ़ी हैं। आगे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वो भी रीड कर लेंगे, भी आपने नोटबुक पे राइट भी करना है और आपने याद भी करना है अच्छे से। विच फैक्टर्स आर नेसेसरी, कौन से अवामिल ज़रूरी हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों की बका के लिए कौन से फैक्टर्स नेसेसरी हैं या लाजमी हैं। डिस्कस इन डिटेल, फैक्टर्स नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फूड, वाटर, एयर एंड लाइट। कौन कौन से हैं? फूड, वाटर, एयर एंड लाइट, यानी खुराक, पानी, हवा और रोशनी। देखें, फूड गिव्स एनर्जी टू लिविंग थिंग्स, खुराक जानदार अशिया को तवानाई देती है। इट आल्सो मेक्स देम स्ट्रॉन्ग, ये उन्हें ताकतवर भी बनाती है। वाटर पानी, ऑल लिविंग थिंग्स यूज वाटर, तमाम जानदार अशिया पानी इस्तेमाल करती हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपने बका के लिए या जिंदा रहने के लिए। एयर हवा, लिविंग थिंग्स ब्रेथ टू गेट एनर्जी, जानदार अशिया तवानाई हासिल करने के लिए सांस लेते हैं। लाइट रोशनी, मोस्ट लिविंग थिंग्स आल्सो नीड लाइट फ्रॉम द सन, बहुत से जानदार अशिया को सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक फूड, पौधे सूरज की रोशनी की मदद से खुराक बनाते हैं, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए खुराक बनाते हैं। ये आपको ये जो कट किया हुआ है ये आपने नहीं करना, और आपने इसी तरह से इसे नोटबुक पे राइट करना है, अच्छे से याद भी कर लेना है। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। वस्सलाम।